नमस्ते किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं जगदम फार्मिंग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिसके कारण हमारे नए वीडियो जल्दी से आप तक पहुंचेंगे। दोस्तों, हमारे जीवन में खाना एक महत्वपूर्ण पहलू है, इंसानों की मौलिक आवश्यकताओं में से एक है। लेकिन आज के केमिकल्स, वायरस, पोल्यूशन के इस जमाने में शायद ही किसी को शुद्ध सब्जियां खाने को मिल पाती होगी। ताजी सब्जियां लेने हेतु या तो हम खुद अपने हाथों से सब्जियों को चुने या फिर सीधे किसानों से ही सब्जियां खरीदें। फिर भी सब्जियां अच्छी, शुद्ध और ताजी है, इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। और ऐसी बिना गारंटी की सब्जियां खाने से बीमारियां होने की संभावना भी बढ़ सकती है। इसलिए इन सभी समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए जगदम उद्योग समूह के माध्यम से विशाल माने लेकर आए हैं हाइड्रोपोनिक फार्मिंग, यानी कि खेती करने का एक अनोखा तरीका। इस खेती में ना ही मिट्टी की जरूरत है और ना ही ढेर सारे पानी की, और के बावजूद भी ट्रेडिशनल खेती की तुलना में ये खेती अधिक उत्पादक है। नियंत्रित जलवायु में बिना मिट्टी के पौधे उगाने की तकनीक को हाइड्रोपोनिक कहते हैं। इस तकनीक के जरिए फसल पानी और उसके पोषण स्तर के जरिए बढ़ती है और पारंपरिक खेती की अपेक्षा में मात्र 10% पानी की जरूरत पड़ती है। आज भी अगर खेती कहा जाए तो नजरों के सामने आती है 10-11 एकड़ जगह, उपजाऊ मिट्टी और मिट्टी में दिन रात काम करने वाले किसान। लोगों के मन की इस अवधारणा को तोड़ते हुए आज अपने घर के सामने या छत पर भी खेती की जा सकती है, ये हाइड्रोपोनिक सिस्टम से सच साबित हो रहा है। मिट्टी रहित खेती को करने के लिए आपको जरूरी पोषक तत्वों, कंकड़, कोकोपीट, परलाइट आदि की आवश्यकता होती है, जिसे किसी गमले, नाली युक्त टंकी, पाइप, बैग आदि का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है कि पानी का बहाव हमेशा बना रहे, क्योंकि पानी के साथ ही न्यूट्रिशन यानी आवश्यक पोषक तत्व भी पौधों को मिलता रहे। कोरोना काल में जब किसानों को अपनी खेत में उगाई हुई चीजों को बाजार में जाकर बेचना, उनके लिए सही मार्केट की तलाश करना एक मुश्किल काम था, वही कोरोना के खतरे को देखते हुए ग्राहकों का भी बाजार जाना कठिन प्रतीत होता था। ऐसे समय में हाइड्रोपोनिक फार्मिंग की तकनीक एक नए विकल्प के रूप में उभर कर सामने आई है। तकनीक का उपयोग कर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शिक्षा के क्षेत्र में पुरातन काल से क्रांति होती आ रही है, वैसे ही हाइड्रोपोनिक फार्मिंग की तकनीक से पारंपरिक खेती के तौर तरीकों में एक बदलाव लाया जा सकता है। खेती के लिए कम होती जमीन की उपलब्धता और मिट्टी संबंधी बीमारियों पर हाइड्रोपोनिक खेती के माध्यम से नया विकल्प सामने आया है। हैदराबाद में किसानों द्वारा इस तकनीक का इस्तेमाल करके जगदम उद्योग समूह ने प्रगति के नए आयाम स्थापित किए हैं। इस तकनीक के उपयोग संबंधित जानकारी ऑनलाइन ट्रेनिंग के माध्यम से कई लोगों तक पहुंचाई है और उन्होंने कई जगहों पर इस तकनीक का सेटअप भी सफलतापूर्वक तैयार करके दिया है। हमारे देश में कई राज्यों में जहाँ पर पानी की कमी है तथा शुष्क जलवायु है, वहाँ इस तकनीक का महत्व बहुत है। जैसे राजस्थान में चारे की समस्या हमेशा बनी रहती है, वहाँ पर इस तकनीक को अपनाकर चारे का उत्पादन किया जा सकता है। परंपरागत बागवानी में अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन यह प्रणाली केवल 10-20% पानी का ही उपयोग करती है, जिससे जल की बहुत बचत होती है। इस प्रणाली का उपयोग करके फसलों को उगाना काफी लाभकारी होगा। तो ये वीडियो था कि जगदम उद्योग समूह ने तकनीक के माध्यम से खेती की पद्धति में लाए बदलाव के बारे में। आपको वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और ऐसे ही नए वीडियोस के लिए जगदम फार्मिंग को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।